नमस्ते, मैं आपकी दोस्त आशा आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्यूटी गुरुमा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है, हमारे फेस पे जो वॉश ना करने की वजह से, क्लीन ना करने की वजह से ब्लैक हेड एंड वाइट हेड आने लग जाता है। हमारा फेस थोड़ा ब्लैक ब्लैक काला काला से दिखने लग जाता है, क्योंकि हम बाहर जो भी जॉब करने वाले हैं, जिनका काम बाहर होता है, वो पॉल्यूशन में भी रहते हैं, धूप में भी रहते हैं, जिसकी वजह से वो पार्लर नहीं जा पाते और उनको टाइम भी नहीं मिलता है। तो आपको ना पार्लर जाने की ज़रूरत है, ना कहीं और जाने की ज़रूरत है, ना पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। आपको घर में सिर्फ 20 मिनट के अंदर इतना शानदार और आपकी सारी प्रॉब्लम्स ना मैं ऐसे सॉल्व करने वाली हूँ। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही मैं आपको ये उपाय बताने वाली हूँ। आपको फेस को चमकाने वाली हूँ, गोरा बनाने वाली हूँ। आपके फेस की जो भी प्रॉब्लम्स है ना, फेस पे ऑयल ज़्यादा आ जाना, डलनेस आ जाना, सारी चीज़ें मैं आपकी सॉल्व करने वाली हूँ। तो मैं ये आपको बताऊँगी कि आपको करना क्या है। उससे पहले, अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं ना, तो सबसे पहले आपका काम है कि आप मेरा वीडियो, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा, इतना तो बनता है मेरे लिए। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब चलते हैं अपन वीडियो की तरफ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लेना है दही। तो दही के बारे में तो आपको सुना है, दही के बारे में तो आपने सुना ही होगा। दही क्या काम करती है, दही जो होती है ना, हमारे फेस की जितनी भी गंदगी होती है, हमारे पोर्स के अंदर जो गंदगी चली जाती है ना, उस गंदगी को निकालने में बहुत ही सहयोग देती है। दूसरा, हमारी जो स्किन ब्लैक पड़ जाती है, उसको गोरा, चमकदार और सुंदर बनाने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा निभाती है। तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच दही लेना है और आधे से भी आधा चम्मच आपको हल्दी लेना है। हल्दी के बारे में बहुत अच्छा सुना होगा, जहाँ पे लोगों की शादी होती है, उससे पहले अपन क्या यूज़ करते हैं, उबटन, जिसके अंदर होता है हल्दी। वो इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज जो दूल्हा दुल्हन है ना, वो उनकी जो स्किन है ना, वो एकदम से चमकने लगे, वो भी सुंदर सुंदर दिखे। तो आपको आधे से आधा चम्मच हल्दी लेना है और 1 चम्मच लेना है आपको बेसन। बेसन से क्या होता है, हमारे स्किन में जो भी जितनी भी गंदगी होती है ना, वो बेसन उसको साफ कर देता है, क्लीन कर देता है, हमारी स्किन को गोरा बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। चौथी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, नींबू। नींबू को आपको ज़्यादा नहीं लेना है, 4 से 5 बूंदें नींबू के रस की लेनी है और इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आवश्यकता पड़ती है आपको, तो इसमें आप थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं। अच्छे से इन चारों चीज़ों को मिक्स करके अब आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है धीरे धीरे। पहले तो आप 5 मिनट तक अच्छे से अपने फेस पे मसाज करो। मसाज करने के बाद में 20 मिनट तक उस पेक को अपने फेस पे लगे रहने दो, जब तक 20 मिनट में वो क्या हो जाएगा कि अच्छे से सूख जाएगा। उसके बाद में आपको 20 मिनट बाद में अच्छे से ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद किसी भी टॉवल से, जो आपका फेस टॉवल है उसे पूछ लो और मिरर में जाके देखोगे ना, तो आप बोलोगे वाह क्या सुंदर, क्या मस्त वाला फेस आपका लग रहा है ना। तो ये जो मैंने बताया ना, वो आपको ज़रूर करना है और यही चीज़ें आप अप्लाई करो। और हाँ, आप ना इसको वीक में 2 बार भी लगा सकते हो। अगर आप वीक में 2 बार लगाओगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। इससे आपकी जो फेस की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, जैसे अगर हमारे फेस पे दाग धब्बे भी होंगे ना, तो वो भी सारे हट जाएंगे। तो ये चीज़ आपको करनी है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है ना, तो लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। अगर आपको हेयर से संबंधित या फिर स्किन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो ना, कोई भी, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले वो देख लेना। और अगर और कुछ आपको जानना है स्किन और हेयर से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट करना, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। बाय बाय, थैंक यू।